बनाने के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ये प्रयास के तहत ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग उतरे हुए हैं। आने वाले समय में 403 विधानसभा का चुनाव होना है और 10 फरवरी को पहले चरण का वोट पड़ेगा। और हम लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषित किया है, उसके अनुसार 403 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब तक 380 सीटों पर हम लोगों का, सभी लोगों का सहमति हो गई है। 23 सीटें बाकी है और वो जल्दी ही हम लोग बैठ के तसल्ली से फाइनल कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। मैं देश में इन लोगों को विकास का नारा देकर भ्रम में डाला जा रहा है और विकास के संदर्भ में जो बताया जा रहा है, मैं ये बात खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में, जब आजादी का आंदोलन गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, तो उस समय स्वराज्य की बात की जा रही थी। आजादी मिलने के बाद जिन लोगों को स्वराज्य मिला, उन लोगों को, उन लोगों के द्वारा स्वराज्य के हासिल करने वाले लोगों ने सुराज्य की बात करना शुरू कर दिया और सुराज्य के तहत उन लोगों ने विकास का एजेंडा और विकास का कार्यक्रम चालू किया। विकास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि विकास के कार्यक्रम में हमें दो चित्र दिखाई देते हैं। एक तो विकास के बारे में उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं, चलो बनाए गए होंगे, बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए गए हैं, चलो ये भी मान लेते हैं कि बनाए हैं। मगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं, वो जो वंचित समूह है देश का, जो वंचित समूह है देश का, उनके लिए वो विकास का कार्यक्रम है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं, वहां वंचित समूहों के लोगों को अपनी बैलगाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने के लिए भी पाबंदी है, इसलिए वो डेवलपमेंट भी उनके लिए है ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं, ये जो गठबंधन बनाया गया है, ये गठबंधन कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग, हमारे लोगों का स्वराज्य चाहते हैं। हमारे लोगों का अगर स्वराज्य नहीं होगा तो हमें अपने लोगों का स्वराज्य भी स्थापित नहीं किया जा सकता। मां के प्रेयर में मैं एक किस्सा आपको बताता हूं और ये किस्सा बताकर बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं स्वराज्य और सुराज्य के, स्वराज्य और सुराज्य का फर्क समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। वर्धा में बाबा साहब अंबेडकर गांधी जी को मिलने के लिए गए थे, तो गांधी जी ने उनको कहा था कि ये बात किसी को भी मत बताना कि आप मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, मगर वो बात लीक हो गई और लाखों की संख्या लोग जो है वहां इकट्ठा हो गए। तो गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर को पूछा कि आपके सीक्रेट रखने के बावजूद भी इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्या बात है कि इतने सारे लोग, मैं यहां बार बार लोगों को आपके बुलाता हूं, बुलाने के बाद भी लोग नहीं आते, और आपने नहीं बुलाया फिर भी लाखों की संख्या में लोग आ गए हैं, क्या बात है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, दाई का प्रेम और माई के प्रेम में फर्क होता ही है। आप प्रेम कर रहे हैं मगर ये दाई का प्रेम है और मेरा प्रेम माई का प्रेम है, तो माँ और दाई के प्रेम में तो फर्क होता ही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए स्वराज्य लाओगे, इस पर हमारा यकीन नहीं है, क्योंकि ये माई और दाई के तरह ही है। हम चाहते हैं कि हम लोगों का स्वराज्य हो, हमारे लोगों को भी राज करने का, ये देश हमारा है,
ये देश जो है जैसे दूसरों का है वैसे हमारा भी है और हमें अधिकार है। और संख्या के अनुपात का सिद्धांत अगर डेमोक्रेसी में मान लिया जाए तो ये अधिकार हमारा बहुत मजबूती से है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें केवल सुराज्य नहीं चाहिए, केवल विकास नहीं चाहिए, हमें स्वराज्य भी चाहिए। और ये स्वराज्य के लिए ये गठबंधन काम करेगा, ऐसा मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात इतनी ही चाहता हूं। धन्यवाद। हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर भी हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं, वो आप तमाम लोगों से बात करेंगे, मुखातिब करेंगे। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा, आज के वर्चुअल मीटिंग में हमको सुन रहे सभी हमारे साथियों, हमारे साथ बैठे हुए AIMIM के अध्यक्ष जी, आदरणीय उबैसी साहब, आदरणीय मेश्राम साहब, साथियों, मेश्राम साहब ने बहुत अच्छी बातें आपके बीच में रखी। उन्हीं बातों से अपने को जोड़ते हुए कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। 22 का चुनाव है, पहला चरण है, 10 फरवरी को आपको वोट डालने हैं। और जब वोट डालना है हमें, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि हर 5 साल में जब हम वोट डालने जा रहे हैं तो जिसको हम वोट देते हैं और उस वोट से जो जीत के जाता है, क्या उससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है या उससे हमारा नुकसान हो सकता है कुछ? ये पहली और प्राथमिक ज़रूरत है ये हमारी। मैं ये बात को अक्सर सभी साथियों के बीच में कहता हूं कि जो 5 साल में चुनाव आता है या 2.5 साल में आता है और जब हम वोट डालते हैं, अगर वोट डालते समय हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि जिसको हम वोट डाल करके चुनने वाले हैं, विधानसभा में भेजने वाले हैं, या जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है पार्लियामेंट में भेजने वाले हैं, ये जा करके हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है या हमारा कुछ नुकसान कर सकता है, अगर ये चीज़ हमारे समझ में आ जाए तो हमारे और हमारे बच्चों की किस्मत का बदलना शुरू हो जाए। आदरणीय मेश्राम साहब ने बहुत ऐतिहासिक बातें और इस गठबंधन के करने की वजह के बारे में सारी बातें उन्होंने कही। अगर हम इस वोट की ताकत को पहचान लें तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आज हस्तिनापुर के हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं विनोद जाटो जी, और शाहियाबाद के हमारे पंडित मनमोहन झा जी हैं। दोनों कैंडिडेट हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हैं लेकिन AIMIM के पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर आपके सामने हैं। आप बहुत सारे किसान भाई हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन साथी हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत किस्म के काम धाम हम लोग करते हैं। हमने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, सरकार के कार्यकाल को देखा है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस सरकार में हमें क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा था हमें रोज़गार देने के लिए, क्या हमें रोज़गार मिला? उन्होंने कहा था महंगाई कम करने के लिए, क्या महंगाई कम हुई? नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा,
बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे बीच में कही। उसके पहले 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को भी हमें सामने लाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके कार्यकाल को हम भूल जाएं, हम खाली याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उनको वोट दो। हमें समाजवादी पार्टी के भी कार्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद रखेंगे तो हमें फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गरीब को, किसान को, कमजोर को, मजदूर के क्या हाल हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी के समय से बेहतर हाल थे या इससे भी खराब हाल थे? इन सारी चीज़ों को हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है। आज चुनाव का वक्त है, सारे पार्टियों के नेता हमारे बीच में आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं।